हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए वीडियो की शुरुआत हो रही है गाजर से। इसको मैंने छील लिया है, अब इसको घसूंगी। जी हाँ, क्योंकि हलवा बनने वाला है। और यहाँ पे मम्मी जी ने बना ली है चाय। ऐसे ही शाम के समय में एक दो बार चाय हो जाता है, तो वही चाय पी रहे हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी आज के नए वीडियो में। तो चलिए, गाजर के हलवा के लिए मैंने गाजर अच्छे तरीके से घिस लिया है और अब बनाते हैं हलवा। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अमूल दूध 2 पैकेट, और उसके बाद ये अमूल का खोआ। तो आज मैं खोआ मिला के गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, गाजर हमारा अच्छी तरीके से घिस के रेडी हो चुका है। और बस अब कुछ नहीं करना है, कढ़ाई में घी डाल के, और ये मैंने गाजर चढ़ा दिया है। अब इसको भूनेंगे काफ़ी देर तक, और इस साइड जो है हमारा जो मिल्क है वो बॉइल्ड हो रहा है। गाजर अच्छी तरीके से भून चुका है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इस मोमेंट पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। जी हाँ, मैं दूध वाला हलवा बना रही हूँ। बहुत लोग बिना दूध के हलवा बनाते हैं, सिर्फ शक्कर डाल के, मावा डाल के। तो मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेरा गाजर अच्छे से भुन गया, तो मैंने यहाँ पे मिल्क डाल दिया। और उसके बाद मैं जो है वो खोया को ऐड कर दूँगी। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं खोया को एक बार भून के तब मिलाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही मिला के देखते हैं। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो भून के ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि भून के अगर मिलाएँगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यही है कि देखिए, मैंने खोआ डाल दिया है, और बस अभी कुछ मिनटों में हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी थे यहाँ पर, मैंने काजू किशमिश ये सब मिला दिए हैं, और बस ये बनके रेडी हो गया हमारा गाजर का हलवा। तो ये था गाजर का हलवा का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। और ये देखिए, खेल रहा है दादी के साथ अपने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए, किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। दूध निकाल लिया है, तो चलिए अब पहले चाय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस टाइम पे हम पुराने सीरियल देख रहे हैं, और यहाँ देखिए चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी है। एक तरफ मिल्क बॉइल्ड हो रहा है, गैस थोड़ा सा गंदा हो गया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और शुभम जी जो है वो ऑफिस गए हुए हैं, तो इसीलिए हम और मम्मी जी घर पे हैं। तो ये हमारी 2 कप चाय। तो चलिए अब हम चाय इन्जॉय करते हैं इस टाइम पर, ऐसे ठंडे मौसम में। जहाँ जहाँ पर ठंडी होगी वहाँ पर तो अदरक वाली चाय का मज़ा ही अलग है। खैर, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, तो अब चलिए चाय पीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पे देखिए, मम्मी जी कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हैं वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो गुड़ था, और ये चावल की आटा को गूंथ के आटा तैयार इसका किया गया है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं, जो मम्मी बना रही हैं, वो बगिया है। उसको बगिया बोला जाता है हमारे साइड। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, जानते ही होंगे ऑब्वियसली, जो हमारे साइड के होंगे, बगिया जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये बगिया जो है वो इस टाइम पे खाना चाहिए, पूस में कहते हैं कि खाना चाहिए, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। चावल के आटे को पहले हल्का वार्म वाटर से उसको गूँथ लेंगे, उसके बाद उसके अंदर गुड़ की स्टफिंग की जाती है, और फिर उसको उबाला जाता है। तो अभी वही बन रहा है, बहुत टेस्टी लगता है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पर। तो देखिए कैसे बनता है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चावल के आटे को हल्के गुनगुने पानी से सान लेते हैं, गूंथ लेते हैं, और उसके बाद इसकी लोई बना के, और ये देखिए सिंपल, इसके अंदर जो है वो गुड़ की स्टफिंग कर दे हैं। यूपी में फरा बनाते हैं, जो लोग करवा चौथ बनाते हैं तो वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टफिंग होती है वो दाल की होती है, वो नमकीन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो गुड़ मिला के बनाते हैं ना, उसको बगिया बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऐसे चाहे तो सिंपल भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुकर में
पानी डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही पानी खूब ज़्यादा बॉयल्ड होगा तो ये जो बगिया है उसको हम ऐसे गिरा देंगे। और खुले भी बना सकते हैं, भगोने में बना सकते हैं, लेकिन सीटी से जल्दी बन जाएगा तो हम ऐसे बना रहे हैं। और उसके बाद बस ये एक सीटी में पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बगिया है वो बन के रेडी हो चुका है और हमने बस इसको निकाल लिया है प्लेट में ठंडा करने के लिए। और इसको ठंडा करके उसके बाद हम इसको खाएंगे। उसके बाद दोस्तों आज खाने में देखिए क्या बना है। घेरा का सब्जी बना है, रोटी है और ये साथ ही साथ बगिया जो बेबी मम्मी जी ने बनाया। तो बस ये है हमारा डिनर और आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली ये क्लिप मुझे पहले लगाना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ये जो क्लिप है वो 20 जनवरी का है और अथर्व का बर्थडे आ गया, सेकेंड बर्थडे। उसका केक कटिंग होगा तो ये उसका केक है। और तो यहाँ पे उनके पापा शुभम जी जो है वो केक कपड़ा सब कुछ लेके आए हैं। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं केक काटने के लिए। तो बस फ्रेंड्स इसके मुंह पे बस ऐसे ही केक लगा दिया गया था, अभी खिला तो नहीं सकते हैं, तो बस ऐसे ही था। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उस दिन की। सो दैट्स ऑल अबाउट अथर्व बर्थडे। और उसके बाद 26 जनवरी को मेरा बर्थडे आया था। तो उस दिन क्या सब किया था, किस तरीके से सेलिब्रेट किया, ये सब कुछ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, श्रुति झा व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।